टू फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अभी मुझे कोल्ड कफ हो गया है, सो बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब पूरा हेडेक हो रखा है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। सो कोल्ड कफ तो इस सीज़न में नॉर्मली है, गर्म सर्द हो जाता है ना, सो रात में बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ बदली बदली लग रही है। तो मैं आपको अपडेट दे दूँ फटाफट से मीटअप का, कि हमने जो मीटअप प्लान करा था, मैंने सोचा था कि हाँ अपनी कुछ सब्सक्राइबर्स को मतलब इन्फॉर्म सबको करूँगी, देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्म निकाला था एंड मैंने अपना वेन्यू वगैरह सब बुक कर दिया है एक्चुअली। तो सारा वेन्यू वगैरह सब कुछ ओके था, बट जब मेरे पास फॉर्म के डाटा निकल के आए, सो चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, सो जितना मैंने सोचा था कि फॉर्म फिल होंगे उससे कई गुना ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं, और जितना मैंने सोचा था कि लगभग उतने लोग आ जाएंगे और सब मतलब मिल के एक मीटअप करेंगे, तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के आ रहे हैं। अब मतलब जितना उन्होंने बताया, बट आना ना आना वो मुझे नहीं पता, फाइनल तो हमें वहीं पता चलेगा मीटअप के टाइम। सो मैंने जो वेन्यू बुक करा था, अब वो वहाँ से रिफंड तो खैर है नहीं, बट फिर भी अब मुझे नया वेन्यू बुक करना पड़ रहा है क्योंकि उतने लोग उसमें नहीं आ सकते। मैंने पहले एक हॉल बुक करा था एसी वाला, सोचा था वहाँ पे एक अच्छे से मीटअप होगा, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। सो उनको रखते हुए मद्देनज़र मैंने मिस्टर डोडा को सुबह सुबह अब दौड़ा दिया है नया वेन्यू बुक करने जाओ। सो ये देखने जा रहे हैं एक नया वेन्यू, पहले हमारा था दिल्ली में घर के नियर बाय, बट अब जहाँ दिल्ली में कोई भी हमें ऐसा वेन्यू नहीं मिल रहा जहाँ पे हम इतना बड़ा देख रहे हैं हाथ। सो नियर बाय दिल्ली पॉसिबिलिटी है कि नोएडा के आसपास की जगह रहेगी, और बहुत मतलब मेट्रो स्टेशन हो आसपास और कन्वीनियंस हो आपके लिए, कन्वेंस आ सके, वैसा ही वेन्यू मैं ढूंढ रही थी। वरना मिलने को तो बहुत दूर दूर अच्छे अच्छे बढ़िया मिल रहे थे, बट वहाँ मैंने नहीं करा क्योंकि देखिए मेरी जैसे मुझे उस डाटा से पता चला है मेनली फॉलोअर्स 95% तो लेडीज़ ही आ रही हैं अपने पति बच्चों के साथ, है ना, तो उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कोई मेरठ से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, बहुत सारे लोग नोएडा से भी हैं। सो अब मेनली वहाँ पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं क्योंकि डाटा कुछ आया है और वहाँ पे पता चलेगा, बट फिर भी देखिए जो मैंने एक आइडिया लेने के लिए किया था उसके अकॉर्डिंग तो मुझे प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, और एंड टाइम पे मेरी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और हाँ, ये मीटअप होने वाला है 27 तारीख को, 24 तारीख को नहीं है, 27 को, इसलिए क्योंकि 27 को संडे है, सबकी छुट्टी रहेगी, सब आ जा सकते हैं, बट देखिए मोस्टली 95% लोग संडे को ऑफ ही रहता है, सो उनके अकॉर्डिंग देखूंगी, बाकी 5% लोगों का थोड़ा सा इशू रहता है, सो आप लोग छुट्टी ले सकते हैं या फिर हम फिर दोबारा मीटअप करेंगे तब मिलेंगे। अब चीज़ें होंगी थोड़ी अलग, क्योंकि जो पहले प्लानिंग हुई थी वो मेरी अलग थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली हैं, बट मज़ा फिर भी आने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अलग लेवल पे होने वाली है। तो किस कौन कौन आ रहा है मीटअप में मुझे कमेंट में अभी भी बताना, और फॉर्म जैसे ही ओपन हो जाएगा उसको फिल कर देना, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ओपन होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे हम रह गए, हम नहीं कर पाए, क्योंकि करने के बाद बहुत लोगों का ये भी रिक्वेस्ट आई कि हम नहीं कर पाए, प्लीज़ दे दो। सो वो फॉर्म की तो लिमिट हो चुकी थी पूरी, बट अब नेक्स्ट फॉर्म बनवाना पड़ रहा है, सो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा जल्द से जल्द, ताकि फिर से हमें नया डाटा मिले और पता चले। सो गाइज जैसे ही ये सब फाइनल हो जाएगा, फॉर्म आ जाएंगे, मैं आपको वेन्यू ये 25 तारीख तक या 27 को है ना 25-26 में ही आपको बता पाऊँगी। हैरानी परेशानी की कोई बात नहीं है, दिल्ली और नोएडा मतलब NCR में ही होने वाला है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो कान्हा का बर्थडे शुरू हो रहा है आज से, हम सबसे पहले कान्हा के बर्थडे की शुरुआत कर रहे हैं आज पंडित जी जमाने से, और बाकी धीरे 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 ये बर्थडे कई दिन तक चलने वाला कार्यक्रम हो गया, जैसे कि अरनौंडा का ब्याह हो रहा हो, सब पंडित जी जीवेंगे और खाने की तैयारी चल रही है, उनका क्या कह रहे हैं ब्राह्मण भोज, ये शाम को हवन है और ब्राह्मण जी भाई। मैं आज सुबह सच में पता मतलब ऐसा लगा ना, गाड़ी में बैठी जब बच्चे ने छोड़ गाड़ी में काना से कह रही काना बर्थडे ईव है ये वो, मतलब इतना इमोशनल सी हो रही है, लगा पता ही नहीं चला बच्चे देखते थे 8 साल के हो गए। फिर मैं इनसे कह रही जब आज बारिश सी हो रही है, मैंने कि मिंगी के बर्थडे पर बारिश हो रही है, मैं काना हुआ वादिन हुई बारिश कह रहे ना वादिन तो नई बारिश काना हुआ वादिन धूप निकल रही, फिर हाँ मैंने कि अब देखो कल कैसा रहेगा मौसम, कल तो चलो ठीक है
अंकल के बर्थडे की इमरजेंसी में हुई है प्लानिंग अर्जेंटली, और मम्मी तो आज बात बता नहीं ना, मम्मी कहता खत्म कर लो मुझे बताई तुम्हारी कुछ ना पता रहे तुम्हारे ऐसे उल्टे ही काम रहेंगे सदा। कल आएगी, कल आएगी मम्मी, सब टेंशन हो जा पल रहे। आईब्रो नहीं बनी मम्मी की, आएगी कल आएगी मम्मी। क्या कहना चाहोगे जो अर्जेंट में ये करे हैं हर बार, एक दिन पहले इनकी सब चीज पहले डिसाइड हुआ है, गुस्सा ना आवे, गुस्सा ना आवे ऐसे। हाँ कहीं के कपड़ा तैयार नहीं, कहीं के कुछ इनविटेशन नहीं, कुछ नहीं। अरे वहाँ का अच्छे से ले जाओगे तो कहाँ, और छुट्टी कर दी कहाँ, कहाँ से रहोगे सुबह ताता कर लोगे तो हवन पाल हो रहा है, कुछ करने काम हवन तो हो रहा, फिर पार्लर वाले ताली आएगी, कुछ करवाना होता है धन और टाइम लग जाते हैं, कुछ काम कोई करोगे नेचुरल ब्यूटी में हालत देख ले कैसे काम हो रहा, और भी से करोगे तो मैं करवाई कहा लूं। सो गाइज मेरे गले के हो चुके हैं बैंड, और आपने तैयारी देखी, आज है ब्राह्मण भोज, मतलब हम पंडित जी जिमा रहे हैं कान्हा के बर्थडे पे। सो खाना बन चुका है उनके लिए, थोड़ा सा सब्जी आलू और सीताफल पेठा, मतलब हमारे में पेठा बोलते हैं बट बहुत सारे लोग सीताफल बोलते हैं, सो उनको बताने के लिए सीताफल और आलू की सब्जी बनाई है, पूरी बनेगी, खीर मैं अभी बनाने जा रही हूँ, और मम्मी और दीदी गई हैं बच्चों को लेने स्कूल से। सो फाइनली देखते ही देखते मेरा कन्हैया हो चुका है, अब 8 साल का हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे 8 साल का होने वाला है डिवा, और उसमें 7 साल का गैप है। हाँ तो डिवा हमारी थोड़ी छोटी है, और कान्हा थोड़ा सा मैच्योर भी है, मतलब पहले से और अब और भी हो गया, जैसे डिवा हुई है ना तो डिवा को बड़े अच्छे से केयर करता है, हैंडल करता है, और मीकी और वो एक जैसे शरारती है मीकी मैच्योर, मतलब ख्याल तो उसका पूरा रखता है बट वो उसको शरारत भी सिखाता है। चलिए अभी खाना बना लेते हैं, थोड़ा सा मैंने सोचा मम्मी अगर आ रही है तो मैं ये कर लेती हूँ। मम्मी ने करो कई दिन से ही पड़ा, अब मम्मी ने आकर खोला तो देखो मम्मी ये तो कई दिन से रखो अब यू कहनी पैकिंग तो यू कहनी तेरे नाम की, अभी आज खुला जब पता चले तो मम्मी के नाम से जब संतोष आवाना लिख के तो पता ना जब मम्मी है तेरे नाम तेरे नाम की मम्मी मेरे बर्थडे की तैयारी की। हां कल जश्न मनेगा, ये मम्मी का बन जाए पता नहीं झुंड चलते है, मैंने कहीं सुनी कि कोई कुछ करते है तीसरी मंजिल पे इतनी ऊपर मक्खी कैसे आ गई, कोई गंदगी नहीं कुछ नहीं, मक्खी जो है ना बहुत ऊंचे तक उड़ती है, देखो अगर आती तो वो यहाँ भी घुस गई नीचे वाले फ्लोर में, सीधे ऊपर तीसरी मंजिल पे घुसी है। सो गाइज घर में कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले भगवान से हमें अच्छा आशीर्वाद लेना पड़ता है। सो कान्हा के बर्थडे की हो चुकी है शुरुआत, सबसे पहले हमने एक पूजा पाठ करवाई, और हमेशा 8 सालों से हम इनके बर्थडे से पहले या उसी दिन हम पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, एक तो सावन में पड़ता है मोस्टली कान्हा का बर्थडे और अच्छा रहता है, अभी तक तो हम तीनों बच्चों के बर्थडे पर करवाते ही हैं। सो अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा क्योंकि आज के दिन सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लिया है, और अब सबसे पहले हम आज करवाएंगे ब्राह्मण भोज, जैसे कि आपको पता ही चल गया पंडित जी जिमाएंगे, उसके बाद फिर होगा जो कल का प्रोग्राम होगा वो
एंड देन बर्थडे एंड देन मीटअप। तो सारी चीज़ें सिक्वल से चलेंगी और आप सारे ब्लॉग्स इंजॉय करना। और गाइज जिसको भी फॉर्म भरने थे सो इसके डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, वहाँ पे जाके भर दीजिए। सो मुझे जल्दी जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं, सो जितने जल्दी हो सके उतने फॉर्म भरिए, शेयर करिए जो भी भरना चाहते हैं। दारिद्र हर 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 महादेव हर। ओम राय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ओ इस ब्लॉग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कान्हा का बर्थडे है 24 का, बट हम सेलिब्रेशन मींस जो कि आपके साथ मीटअप है वो है 27 का। सो वो मैंने कर लिया है फाइनल। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बट कोई नहीं, मिलना है तो मिलेंगे ही। 27 को हो गया है फाइनली मीटअप। सो संडे के दिन मीटअप रखा है हमने और टाइमिंग वगैरह मैं आपको कन्फर्म कर देती हूँ किस हिसाब से, क्योंकि दिन में तो बहुत गर्मी है बट क्योंकि वो ओपन में होगा, थोड़ा सा कवर्ड भी है एरिया, मतलब बहुत बड़ी जगह ली है मैंने अभी फॉर्म्स वगैरह को देखते हुए। सो 27 फाइनल है काना का बर्थडे वाला मीटअप। जो मेरा आपके साथ फर्स्ट मीटअप है वो है 27 अगस्त। और
फॉर्म्स कर दिया है मैंने फिर से अवेलेबल, सो जाइए फॉर्म भरिए जिसके रह गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, दीदी हमारा रह गया है, सो फॉर्म्स फिल करिए, और जिनके फॉर्म फिल होंगे उनके पास डिटेल्स जाएंगी, वही लोग आ पाएंगे, तो जाइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दो भर भर के, ताकि थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाए और हमारे मीटअप तक हो जाए मेरे 500 के यूट्यूब पे। तो चलिए आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। खड़ा ही था ना, खड़ा।